हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। आज हम पढ़ने वाले हैं जैसलमेर का भाटी राजवंश। तो जैसलमेर के जो भाटी राजवंश जो ये शासक थे, ये अपने आप को चंद्रमुखी यादव मानते थे और श्री कृष्ण भगवान को जो है अपना वंशज मानते थे। तो ये अपने आप को किससे जोड़ते थे? भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते थे। तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की जो स्थापना है वो करते हैं एक व्यक्ति जिनका नाम था भट्टी, जिनको हम भट्टीय भी कहते हैं। तो 285 ईस्वी के लगभग जो है ये पंजाब से आते हैं और भटनेर जो है कस्बा बसाते हैं, और उसके बाद कस्बे के साथ साथ जो है वो किला भी बनवाते हैं, जिसे हम भटनेर के किले के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से आते हैं? पंजाब से आते हैं, और पंजाब से आकर जो है जो हनुमानगढ़ जिला है यहाँ पर आकर जो है वो बसते हैं, और इस गढ़ को ही भटनेर गढ़ कहा जाता था। इसका निर्माण कौन करवाते हैं? भट्टी शासक करवाते हैं, जो कि भाटी राजवंश के आदि पुरुष, संस्थापक, मूल पुरुष माने जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो आगे के शासक होंगे, तो वो भटनेर से जो है वो यहाँ पंजाब से, देखिए भटनेर हनुमानगढ़ में आए, ठीक है, उसके बाद हनुमानगढ़ से जो है वो जैसलमेर में आए। तो भटनेर से जो है वो जैसलमेर में आते हैं शासक, यहाँ पर मंगलराव भाटी आते हैं और यहाँ पर जो है जैसलमेर में आकर तन्नौट को अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक है, तन्नौट को राजधानी बनाते हैं। तो किस तरीके से जो है वो जैसलमेर दुर्ग के बारे में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जैसलमेर दुर्ग का निर्माण जो है वो राव जैसल के द्वारा करवाया जाता है और जैसलमेर को जो है वो अपनी राजधानी बनाया जाता है। ठीक है, जैसलमेर दुर्ग के बारे में जो है वो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जैसल ने करवाया था। और ये जो जैसलमेर जो दुर्ग है, अगर हम इसकी बात करें, जिसको हम सोनार किला भी कहते हैं, सोनार गढ़ कहते हैं, क्योंकि यह सोने की तरह चमकता था, इसीलिए इसको सोनारगढ़ नाम भी दिया गया। पीले जो बलुआ पत्थर है उससे ये निर्मित है। अब यहाँ पर जो है आपको विष्णु मंदिर भी मिलेंगे, जैन मंदिर भी मिलेंगे। तो शिल्पकला की दृष्टि से जैसलमेर दुर्ग जो है वो बहुत अधिक विख्यात है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम आर्ट एंड कल्चर में देखते हैं। जब दुर्गों की बात हम करेंगे तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको बताया कि पंजाब से जो है ये लोग हनुमानगढ़ में आते हैं, यहाँ पर अपना राज्य स्थापित करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हनुमानगढ़ से जो है ये जैसलमेर आते हैं और यहाँ पर आकर बसते हैं। तो सबसे पहले जो आदि पुरुष जो कौन है, मूल पुरुष, आदि पुरुष, संस्थापक, तो यह है भट्टी राजा। ठीक है, भट्टी नाम का एक व्यक्ति था, तो उसने ही स्थापना की थी भट्टी राजवंश की। 285 ईस्वी में पंजाब से आकर जो है भटनेर कस्बा बसाते हैं और भटनेर हनुमानगढ़ के किले का नाम निर्माण करवाते हैं। ये भी याद रखिएगा, हनुमान के नीचे देखिए क्या लग रहा है, गण लग रहा है। ठीक है, ये क्या है? किला है, जिसको हम आज हनुमानगढ़ कह रहे हैं, यही भटनेर का किला था। मंगल राव भाटी भटनेर से जो है अब ये जैसलमेर में आते हैं और तन्नोट को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो मंगल राव भाटी जो हैं, तो जो गजनी के जो डुंडी थे, इसको ये हराते हैं और फिर भटनेर से जो है निकलकर आते हैं जैसलमेर। ठीक है, और जैसलमेर में यहाँ पर आकर तन्नौट को क्या करते हैं? अपनी राजधानी बनाते हैं। तो अभी जैसलमेर को अपनी राजधानी किसी ने नहीं बनाया है, ये भी जो है किसको राजधानी बना रहे हैं? तन्नौट को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो तन्नौट जो है, तन्नौट माता, थार की वैष्णो देवी, जिनको हम रूमाल देवी भी कहते हैं, तो BSF के जो जवान हैं इनकी बहुत पूजा करते हैं, इनकी जो है कुल देवी कही जाती हैं, इनकी देवी कही जाती हैं तन्नोट माता। राजा केहर ने अपने पुत्र तनु के नाम पर नगर बसाकर तनोटिया देवी की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये नोट में मैंने लिख दिया है, ये आपको याद रखना है। तन्नोट माता जो है वो किसकी देवी है? BSF के जवानों की देवी है। थार की वैष्णो देवी किसको कहा जाता है? तन्नोट माता को कहा जाता है। इनको हम रूमाल देवी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, तन्नोट को अपनी राजधानी मंगल राव भाटी ने बनाया था। उसके बाद जो है देवराज भाटी, तो ये अपनी राजधानी किसको बनाते हैं? लोद्रवा को अपनी राजधानी बनाते हैं तन्नोट की जगह।
नेक्स्ट शासक हैं राव जैसल। जैसलमेर कस्बा लो दरवा से 10 मील दूर बसाते हैं और जैसलमेर को अपनी नई राजधानी बनाते हैं। तो आपको याद आया कि जो भट्टी शासक हैं इन्होंने जो है राजधानी किसको बनाया, भटनेर को राजधानी बनाया। ठीक है, उसके बाद भटनेर से जो राजधानी रही है जैसलमेर के भाटी राजवंश की, तो वह रही है तन्नोट। तन्नोट के बाद जो राजधानी रही है लोद्रवा। ठीक है, लोद्रवा के बाद राजधानी जो है वो बदलती है, राव जैसल के द्वारा जैसलमेर को अपनी राजधानी बनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि समय समय पर राजधानी जो बदलती रही हैं, जैसलमेर के भाटी राजवंश की पहले भटनेर हुई, तन्नोट हुई, फिर लोद्रवा और उसके बाद जैसलमेर। तो जैसलमेर कस्बा किसके द्वारा बसाया गया, राव जैसल के द्वारा बसाया गया। 1155 ईस्वी में जैसलमेर का दुर्ग का निर्माण जो है ये करवाते हैं, सोनगढ़ जिसको हम कहते हैं। उसके बाद जो है ये प्रारंभ करवा देते हैं जैसलमेर दुर्ग का। इनका जो बेटा है शालीवाहन सेकंड, तो वह जो है इसका काम पूरा करवाता है जैसलमेर के किले का। ठीक है, याद रखना है किले में जब हम पढ़ते हैं कि जैसलमेर के किले में जो है वो चूने का प्रयोग तो नहीं हुआ है, ये याद रखना, चूने का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। यहाँ पर जो है पत्थर पर पत्थर रखकर जो है इसको बनाया गया है। ठीक है, इस तरीके पत्थर पर पत्थर रखकर जो है इसका निर्माण किया गया है जैसलमेर के दुर्ग का। अगला देखें, जैत्र सिंह 1275 ईस्वी में जैसलमेर का शासक बना और 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का जैसलमेर दुर्ग पर आक्रमण होता है और जैत्र सिंह की जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है यहाँ पर आक्रमण किया जाता है जैत्र सिंह के समय में जैसलमेर दुर्ग पर, और जिसकी वजह से जो है जैत्र सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो जैत्र सिंह के बाद इनका बेटा मूलराज प्रथम आता है। अब अपने पिता की क्या लेगा, ये बदला लेगा अलाउद्दीन खिलजी से। आपको यहां पर इंपॉर्टेंट लाइन क्या याद रखनी है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वह जैसलमेर पर आक्रमण करता है जैत्र सिंह के समय, सबसे पहले जैत्र सिंह के समय आक्रमण करता है। ठीक है, क्योंकि आप याद रखते हो जैसलमेर के शाके के बारे में, और शाका जो पहला होता है वह मूलराज प्रथम के समय होता है, जैत्र सिंह को भूल जाते हैं। याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी जैत्र सिंह के समय में जो है वो आक्रमण करता है जैसलमेर में, उसके बाद मूलराज प्रथम के समय में जैसलमेर का शाका किया जाता है। तो मूलराज प्रथम के समय जैसलमेर का पहला शाका होता है, यहाँ पर एक तरफ जो है वो मूलराज प्रथम राजपूत शासक और दूसरी जगह दिल्ली का सुल्तान कौन है इस समय, अलाउद्दीन खिलजी। तो पहला शाका 1294 ईस्वी में होता है, कहीं कहीं पर आपको जो है डेट लिखी हुई मिलेगी 1296। तो जैसलमेर जो कि 2.5 शाके के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, पहला शाका तो हमने देख लिया मूलराज प्रथम के समय हुआ, और इस समय जो आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी जो है सुल्तान वो कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है। दिल्ली सल्तनत की बात जो है अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश की जैसे ही समाप्ति होती है उसके बाद आता है खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश की समाप्ति के बाद आता है तुगलक वंश, और उसके बाद आता है लोदी वंश। ये मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि यहाँ जब भूल जाते हैं कि 2.5 शाका जो है वो जैसलमेर 2.5 शाके के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पर 2.5 शाके हुए, दो तो पूरे हुए और एक जो है वो अर्ध शाका हुआ था। ठीक है, तो पहला शाका हुआ था जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है यहाँ पर, और यहाँ शासक थे उस समय मूलराज प्रथम, तो ये तो होता है प्रथम शाका। दूसरा शाका खिलजी वंश की समाप्ति पर आता है तुगलक वंश, तो यहाँ पर फिरोज शाह जो तुगलक ये आक्रमण करता है जैसलमेर पर, तो यहाँ पर दूसरा शाका होता है, और जो यहाँ शासक हैं जैसलमेर में ये रावल दूदा थे। और जो तीसरा शाका होता है वह होता है यहाँ के जब शासक हैं जैसलमेर के लूणकरण, इनके समय में किया जाता है। ठीक है, प्रथम शाका मूलराज याद रखें इंपॉर्टेंट, दूसरा शाका किसके समय होता है जब यहाँ के शासक होते हैं रावल दूदा, तीसरा शाका लूणकरण के समय होता है। तो पहले दो शाके तो याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हैं वो आक्रमण करते हैं तब होता है, ये तीसरा शाका जिसे अर्ध शाका कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये लूणकरण जो है जिसको शरण देते हैं वही इनके ऊपर आक्रमण कर देता है, जो कंधार का शासक अमीर अली है वही यहाँ पर जो है आक्रमण कर देता है, विश्वासघात करता है, और इस वजह से यहाँ पर अर्ध शाका किया जाता है। अर्ध शाका क्यों, क्योंकि यहाँ पर जौहर नहीं होता है तीसरे शाके में। तो हमने मूल राज प्रथम के बारे में समझ लिया कि पहला शाका होता है,
नेक्स्ट शासक हैं गढ़सी। गढ़सी सिंह ने जैसलमेर के निकट जो है गढ़सीसर तालाब बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। रावल दूधा, रावल दूधा के समय जैसलमेर का दूसरा शाका किया जाता है। और एक जगह रावल दूधा है और दूसरी साइड तुगलक वंश का शासक कौन है, फिरोज शाह तुगलक। तो समय समय पर जैसलमेर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली के सुल्तान जो है वो आगे आए थे। तो 1315 ईस्वी के लगभग जो है ये आक्रमण किया जाता है। उसके बाद देखिए लूणकरण। तो लूणकरण के समय जो है वो तीसरा शाका होता है। लूणकरण जो है ये अपनी पुत्री उमादे, जिनको हम इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानते हैं, तो उनका विवाह जो है राव मालदेव से करते हैं। ठीक है, कई बार मैंने जो है ये चीज आपको बताई है। तो ये वही लूणकरण है जैसलमेर के। तो इनके समय में तीसरा शाका होता है। ये क्या करते हैं, कंधार के जो शासक अमीर अली है इसको 1550 ईस्वी में शरण देते हैं। लेकिन यही अमीर अली जो है विश्वासघात करता है और लूणकरण पर जो है वो आक्रमण कर देता है। तो यहां पर होता है तीसरा शाका, लेकिन इसको हम अर्ध शाका के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि इसमें जो पुरुष थे इन्होंने तो वीरगति को प्राप्त हुए थे, इन्होंने तो बढ़ चढ़कर भाग लिया था, लेकिन जो महिलाएं थीं उनके द्वारा जौहर नहीं किया गया था। तो शाका तो उसी को कहते हैं जहां पर क्या हो, केसरिया भी हो और जौहर भी हो। ठीक है, तो उसको कहा जाता है शाका। लेकिन यहां पर तो केवल क्या हुआ, केसरिया किया गया, महिलाओं द्वारा जौहर नहीं किया गया, तो इसीलिए इसे अर्धशाका के नाम से जाना जाता है। तो देखिए 1550 ईस्वी में जैसलमेर का अर्धशाका हुआ। अमीर अली जो है ये आक्रमण करता है जैसलमेर के शासक लूणकरण पर। यहाँ पर जौहर नहीं होता है। आपको याद रखना है कि जैसलमेर का किला 2.5 दिन के शाके के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। लूणकरण के 9 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। बड़ी पुत्री का नाम था राव कुंवरी और छोटी पुत्री का नाम था उमादे। तो उमादे का नाम तो आपको याद आ गया होगा। उमादे का विवाह जोधपुर के जो महाराज हैं मालदेव, इनके साथ में किया गया था, जिनको हम रूठी रानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। फर्स्ट ग्रेड में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है और थर्ड ग्रेड में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट शासक देखिए रावल हर राय भाटी। तो 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया जाता है अकबर के द्वारा। तो यहां पर ये अकबर की अधीनता स्वीकारते हैं। तो इंपॉर्टेंट लाइन बन गई कि जैसलमेर के कौन से शासक जिन्होंने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, तो हर राय भाटी या रावल हर राय 1570 ईस्वी के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं और साथ में जो है वो वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते हैं मुगलों के साथ। तो ये जो है अपनी पुत्री नाथीबाई जो है इसका विवाह किससे करते हैं, अकबर से करते हैं। ठीक है, तो प्रथम भाटी शासक मुगलों के साथ जो है वैवाहिक संबंध इनके द्वारा स्थापित किए जाते हैं। भीम सिंह भाटी जो हैं ये अपनी पुत्री का विवाह किससे करते हैं, अकबर के बेटे जहांगीर के साथ करते हैं। नेक्स्ट शासक हैं मूलराज सेकंड। तो मूलराज सेकंड देखिए मूलराज प्रथम के समय में जैसलमेर का पहला शाका हुआ था, ध्यान रखना है। 1818 ईस्वी में मूलराज ने दीवान सालिम सिंह था इसके अत्याचारों से ये परेशान होकर ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है वो ये क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। ठीक है, मूलराज सेकंड के द्वारा जो है 12 दिसंबर 1818 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली जाती है, याद रखना है। नेक्स्ट जो शासक है मूलराज सेकंड के बाद जवाहर सिंह भाटी। तो जवाहर सिंह भाटी जो कि अंतिम शासक हैं जैसलमेर के भाटी राजवंश के। ठीक है, इनके शासनकाल में स्वतंत्रता सेनानी जो सागरमल गोपा थे, तो पता है कि सागरमल गोपा जिनको जो है जेल में जिंदा जला दिया गया था, तो इनको जो है तेल छिड़ककर जेल में इन्होंने जिंदा जलाया था। याद रखना है कि महारावल जवाहर सिंह जो हैं इन्होंने जो सागरमल जो गोपा थे इनको 4 अप्रैल 1946 को तेल डालकर जो है इनको जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, और सागरमल गोपा जिनको हम किस नाम से जानते हैं, जैसलमेर जैसलमेर का गुंडा राज। ठीक है, तो ये जो पत्रिका भी थी जो कि पत्रिका भी निकाली गई थी, और जैसलमेर का गुंडा राज इन किसको कहते हैं, सागरमल गोपा को कहा जाता है। तो सागरमल गोपा की जब मृत्यु हो जाती है तो इनके कारणों की जांच करने के लिए जो है एक आयोग गठित किया जाता है, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। ठीक है, गोपाल स्वरूप पाठक
आयोग। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है जो भी आपको ध्यान में रखनी है। तो जो कि इस घटना को क्या बताता है कि उसने तो सुसाइड कर लिया था, ऐसा बताता है। तो ठीक है, तो जवाहर सिंह भाटी जो है वो अंतिम शासक रहे हैं जैसलमेर के, ये आपको याद रखना है। और जब एकीकरण के समय में जवाहर सिंह भाटी जो है इन्होंने जोधपुर के महाराजा जो थे ना हनुवंत सिंह, इनके साथ ये मिल गए थे और पाकिस्तान में शामिल होने का जो है इनका प्रयास भी काफी रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जैसलमेर के जो शासक हैं इम्पोर्टेंट, उनके बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट लाइन है वो सब यहाँ पर शामिल कर ली है। नेक्स्ट देखिए, छोटा सा टॉपिक है करौली का यादव वंश। तो करौली का यादव वंश भी जैसलमेर की तरह ही श्री कृष्ण भगवान को अपने आप से जोड़ता है। ये अपने आप को श्री कृष्ण भगवान का वंशज ही मानते हैं। ठीक है, करौली रियासत का कुछ भाग जो है वो मत्स्य जनपद में और कुछ भाग जो है वह सूरसेन जनपद में आता था। तो करौली का जो राजवंश है ये खुद को मथुरा की जो सूरसेन जो शाखा है इससे संबंधित मानते हुए, क्योंकि मथुरा के जो लोग हैं वो श्री कृष्ण भगवान को ज्यादा पूजते हैं, तो इसी से अपने आप को संबंधित मानते हुए जो है भगवान श्री कृष्ण से अपने आप को जोड़ते हैं। ठीक है, तो करौली के जो यादव वंश है इनकी स्थापना जो है किसके द्वारा की जाती है, विजयपाल के द्वारा की जाती है। मूल पुरुष इसीलिए इनको कहा जाता है, आदि पुरुष कहा जाता है, संस्थापक इनको कहा जाता है। तो ये जो है सबसे पहले बयाना कहाँ पर है, भरतपुर में। तो भरतपुर को जो है वो अपनी क्या बनाते हैं, राजधानी बनाते हैं। ये आपको याद रखना है कि भरतपुर को जो है किसने अपनी राजधानी बनाया था, तो करौली के जो यादव वंश के जो विजयपाल जो संस्थापक हैं इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद जो है करौली जो है बसाया जाता है। ठीक है, और करौली को जो है वो अपनी राजधानी धर्मपाल सेकंड के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, फिर जो गोपाल पाल आते हैं तो करौली में ही जो है मदन मोहन मंदिर का निर्माण करते हैं। तो कुछ लाइनें जो आपको करौली के यादव वंश के बारे में याद रखनी है। तो विजयपाल के बारे में हमने देखा, आदि पुरुष मूल पुरुष संस्थापक कहा जाता है, भरतपुर को अपनी राजधानी बनाते हैं। नेक्स्ट शासक हैं, क्रम से याद रखना है कि विजयपाल के बाद तिमनपाल आते हैं। इनके बारे में कुछ भी इम्पोर्टेंट लाइन नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखी है, आपको भी याद नहीं करनी है। फिर हैं अर्जुन पाल, इनके द्वारा कल्याणपुर बसाया जाता है जिसको हम आज करौली के नाम से जानते हैं। ये राजधानी नहीं बनाते हैं, ये केवल ये करौली जो है इसको बसाते हैं। धर्मपाल सेकंड, इनके द्वारा करौली को अपनी राजधानी बनाया जाता है। देखिए, एक तो सिक्वेंस शासकों का याद रखना है और ये याद रखना है समय समय पर जो राजधानियां बदलती रही हैं तो वो किसके द्वारा बदली गई, किसने जो राजधानी बनाया किसको, तो ये आपको याद रखना है। हमने क्या पढ़ा कि जो विजयपाल हैं सबसे पहले जो मूल पुरुष हैं करौली के यादव वंश के, ये अपनी राजधानी किसको बनाते हैं, भरतपुर, ठीक है, बयाना को जो अपनी राजधानी बनाते हैं। अब कौन आए हैं, अब आए हैं धर्मपाल सेकंड, ये अपनी राजधानी किसको बना रहे हैं, करौली को बना रहे हैं। ठीक है, गोपाल पाल, गोपाल पाल के द्वारा करौली में ही मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। नेक्स्ट जो शासक हैं वह हैं हरबख्श पाल। महाराजा हरबख्श पाल जो हैं ये जो हैं 9 नवंबर 1817 ईस्वी को अंग्रेजों से संधि करके उनकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो शासक आते हैं नरसिंह पाल। देखिए, हरबख्श पाल का नाम तो आता है, इम्पोर्टेंट है और याद रखना है आपको कि सबसे पहले अंग्रेजों से संधि करने वाले जो शासक थे वो कौन थे करौली के, तो वह थे महाराजा हरबख्श पाल। इनकी मृत्यु हो जाती है तो नरसिंह पाल जो हैं ये आते हैं, कुछ ही समय रहते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो लॉर्ड डलहौजी है तो ये क्या करता है, करौली का जो है वो विलय ईस्ट इंडिया कंपनी में कर लेता है। ठीक है, फिर आते हैं मदन पाल। मदन पाल जो शासक हैं ये करौली के शासक जो हैं इनको बनाया जाता है। और 1857 की जब क्रांति होती है तो इनके समय कोटा के महाराव राम सिंह जो हैं इनकी सहायता के लिए जो है ये सेना भेजते हैं। तो एक दो पॉइंट जो हैं आप इसकी याद रख सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं जब राजस्थान में सबसे पहले आते हैं तो 1865 ईस्वी में आते हैं, उस समय यहाँ के शासक कौन थे, मदन पाल थे। ठीक है, दो लाइनें जो है मदन पाल के बारे में याद रखिएगा। पहली लाइन क्या कि 1865 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जब आते हैं यहाँ पर करौली में तो उस समय शासक कौन है, मदन पाल है। और 1857 की क्रांति के समय जो राम सिंह सेकंड है कोटा के जो शासक थे उनकी सहायता किसके द्वारा की जाती है, मदन पाल के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर करौली के जो शासक हैं यादव वंश जो हैं ये कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।